कहते हैं इश्क नाम के गुजरे थे एक बुजुर्ग, कहते हैं इश्क नाम के गुजरे थे एक बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले के हैं। शौकत भाई क्या लिख रहे हैं आजकल नया? भाई मीर साहब के बारे में लिखने की सोच रहा था। बड़े ही मजेदार किस्म के कैरेक्टर हैं ये मीर साहब। इस उम्र में ये जिंदा दिली, भाई वाह। रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी यार। ये बताइए कि मैं सुरैया के लिए कैसा रहूंगा? आप मेरी बेटी से शादी करेंगे जी? आपका दिमाग तो ठीक है जी, हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। औकात में रहिए शेख साहब, क्या बड़े बदतमीज आदमी है। पहले तो पत्थर बरसाते हैं फिर अंदर आकर ये बेइज्जती करते हैं। अरे आपको याद होगा आपका रिश्ता आया था हमारी अम्मी के लिए। उस जमाने में अम्मी के लिए रिश्ता आया था है? उस पर हमने ना कर दिया था क्योंकि अम्मी बहुत छोटी थी। अरे बाप बोलते थे बड़े बेटी देते। अरे भाईजान किस्म के आदमी है, जूते उतार के मार देंगे। ये लो नानी। हुजूर ये हीरा है। कौन हीरा? हीरा बनारस वाली। अरे कौन हीरा जी? अरे वो कहेंगे गुलाब कहेंगे। अरे अच्छा इधर आ रही गुलाब एक ही वक्त में दोनों आ गए। हुजूर दोनों वक्त जो मिल रहे हैं दोनों हिल रहे हैं क्यों? मैं कह रहा हूँ हुजूर दोनों वक्त मिल रहे हैं। सही कह रही दोनों वक्त मिल रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से इन सब लोगों से ज्यादा ताकत है मेरे अंदर है? ये लोग तो नई जवानी मान ले ढीले वालों में से। खैर आपको इन बातों से क्या लेना, आप तो बस इस रिश्ते को तय करके मुझे मरने से बचा ले। मैं सुबह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा तो आप ऐसे भी नहीं रहेंगे जी। क्या आजकल नमाजी पढ़ने लगे हैं है? हाँ। खैर पहली बार एक ऐसा आदमी देखा है जो गुनाह कबूल कराने के लिए नमाज पढ़ रहा है जी। हाँ नमाज तो दुआ कबूल कराने के लिए पढ़ी जावे है। बिल्कुल, मगर उनकी दुआ गुनाह ही तो है जिसे वो कबूल कराने पर तुले हुए। अब तुम ही बताओ यार इस उम्र में उस बच्ची से शादी। हाँ जी सौगत भाई बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप तो मर ही जाएगा, लाठी की क्या जरूरत है जी। ये मेरा है। नाम लिखा है क्या आपका कि मेरा है? ये ऐसे ही समझ लें। अरे भाई इसमें तो सबकत लिखा हुआ है। सुरैया जो थी वो आपको देखकर चौंकी क्यों? अब ये बात आप सुरैया से ही पूछे तो बेहतर है। देखो मियां हम मुर्दा सूंघ कर पहचान लेते हैं कि किस गम में मरा है। अब्बा मेरी शादी तय कर रहे हैं। ओहो मुबारक हो, किसके साथ? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे मैं तो खुद ही पूछ रहा हूँ यार, किसके साथ? तुम्हारे दोस्त शौकत के साथ। हंसो। मोहब्बत हमसे, वादे हमसे, शादी किसी और से? जी जी मैंने कब आपसे मोहब्बत की है? अरे तौबा है, आप नहीं आपके वालिद यानी हमारे मीर साहब शादी कर रहे।
शादी? जब जब मीर साहब दूल्हा बने आपकी चौखट पर खड़े हो तो आप अपने घर के अंदर से बाहर भागते हुए आइएगा और चिल्ला दीजिएगा कि सुरैया भाभी मैं संभाल लूंगा।